स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रामचंद्र पिता मोहनलाल मालवीय उम्र 45 निवासी राजापुर सोनकच्छ, मृतक बाबूलाल पिता माखनलाल उम्र 50 निवासी राजापुर सोनकच्छ आज किसी काम से देवास आए थे। देवास से राजापुर सोनकच्छ की ओर जा रहे थे तभी रामगोद के दरगाह के चौराहे पर किसी टैंकर ने टक्कर मार दी जिसे रामचंद्र और बाबूलाल घायल हो गए, जिन्हें देवास जिला चिकित्सालय लाया गया जहां डॉक्टरों ने बाबूलाल पिता माखनलाल उम्र 50 निवासी राजाराम को राजापुर को मृत घोषित कर दिया। साथ ही रामचंद्र पिता मोहनलाल मालवीय उम्र 45 निवासी राजापुर को इंदौर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि रामचंद्र की भी हालत गंभीर है और बताया जा रहा है मृतक की 15 साल की एक बेटी, 14 साल का एक बेटा और दोनों युवक कृषक हैं। और कहाँ से आया? हाँ, अभी देवास से भोपाल रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। राजापुर गांव के रहने वाले दोनों लोग, एक बाबूलाल जी आए हैं, इनके पिता का नाम माखनलाल, 50 ईयर ओल्ड है, और एक रामचंद्र जी, पिता का नाम इनका मोहनलाल जी, राजापुर। तो उसमें से घटना स्थल पर ही बाबूलाल जी की तो डेथ हो गई है और रामचंद्र जी का ऐसा है कि उनका यहाँ पर अपन ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, इसके बाद इनको गंभीर स्थिति में अपन ने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर वीरेंद्र लाखन सिंह मालवीय। कहाँ से आए आप और ये क्या किनको लेकर आए थे? ये मैं तो ड्यूटी गया था। हाँ? मैं रविदास नगर में रहता हूँ, रेवासी रजापुर का हूँ। हाँ? तो मैं ड्यूटी पर गया था, मेरे पास में कॉल आया था। हाँ? बोले भैया जो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं यहाँ पे आ जाओ। हाँ? मैंने कहाँ पे, तो बताया भोपाल चौराहे के नीचे आ जाओ। हाँ? बाद में कॉल आया तो बोला कि ऐसे कि वो अपने खटाम्बा के पास में पेट्रोल पंप के पास में एक्सीडेंट हुआ है। हाँ? और हमने बोल दिया है एम्बुलेंस आ रही है, बुला रहे हैं। हाँ? आप हम देवास अस्पताल ले जा रहे हैं। हाँ? तो आप लेके जल्दी से आ जाओ। कितने लोग थे वो? वो दो लोग थे। तो क्या है, दोनों की क्या हालत है अभी? एक का तो काम हो गया, वो तो सीरियस। हाँ? है एक, और एक का काम हो गया। अच्छा, क्या नाम थे दोनों के? एक का रामचंद्र नाम था और जो घायल है। हाँ, और एक का नाम बाबूलाल। क्या आपका पूरा नाम? मेरा नाम लाखन सिंह। आप क्या लगते हैं इनके परिजन? मैं उनका भाई हूँ, काका का लड़का। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।